everyone, how are you all? Once again, a very, very warm welcome to all of you. Well, have you been ever confused in these three words? Let me pronounce this for you. It's immigrate, emigrate, and migrate. Okay, tell me one thing. Suppose someone wants to move from one particular country to another. For example, many of you would want to move to UK, to Canada, to Australia. Which out of these three terms would you use for yourself? Would you immigrate to that country? Would you emigrate or migrate? I'll give you 3 seconds. All right. So, if you chose, you want to migrate to Canada, the meaning is entirely different. If your answer was, you want to emigrate to Canada, then it's absolutely wrong. But if you chose, immigrate to Canada, then you're 100% right. Now, how to decide which out of these words to use where? Let me explain this to you. I am 100% sure after watching this video, full video till the end, you will never be confused in these three terms. Alright, so let's begin with immigrate, because this is the term which is normally used by most of the people around, right? So, immigration. First, understand, immigrate is verb. Immigration is its noun form. Immigration is the process of movement from one place to another. That is spoken in the context of the country you move to. I'll explain it in Hindi as well. आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब मूव करते हैं तो आप जहां जाते हैं, ठीक है, यू इमिग्रेट टू दैट कंट्री. और जिस कंट्री से जाते हैं, दैट फॉर दैट कंट्री यू वुड यूज एमिग्रेट. उस प्रोसेस को बोलेंगे एमिग्रेशन. और वर्ब क्या यूज होगी? आई वॉन्ट टू एमिग्रेट. सो एमिग्रेट फ्रॉम, और जहां जाना है इमिग्रेट टू. अब इसको याद कैसे रखें? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, राइट? तो सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है. देखिए, ई एमिग्रेट, और ई के बाद क्या आता है? एफ. ई एफ, एबीसीडी के लेटर्स के ऑर्डर में ई के बाद एफ आता है, ठीक है? तो आप इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लीजिए. एमिग्रेट ई फ्रॉम, जाना. तो जहां से जाना है वहां से आप एमिग्रेट होंगे. एक स्ट्रैटेजी है. देर इज अनदर स्ट्रैटेजी, ई फॉर एमिग्रेशन, ई फॉर एग्जिट. बाहर जा रहे हैं, बाहर जाना इज इक्वल टू एग्जिट. एमिग्रेट फ्रॉम ई एफ, या एमिग्रेट और एग्जिट ई. किसी भी स्ट्रैटेजी से लर्न कर लीजिए, आप 100% कभी नहीं भूलेंगे. बट डू फिक्स दैट इन योर माइंड फर्स्ट. तो ऑब्वियसली दूसरा जो इमिग्रेशन है वो आने वालों के लिए हो गया. अब उसको भी कैसे याद रख सकते हैं? इमिग्रेट, इम, यू गेट इन टू अ कंट्री, इम इन, समथिंग सिमिलर. नाउ द थर्ड टर्म इज लेफ्ट, दैट इज माइग्रेट. अब इमिग्रेट, एमिग्रेट, और ये एक कैटेगरी, और माइग्रेट एक अदर कैटेगरी. इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन परमानेंट होती है. दैट मीन्स यू आर लीविंग फॉर गुड, फॉर परमानेंट. हमेशा के लिए आप जाना चाहते हैं, आप वहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए एमिग्रेट टर्म यूज करते हैं या इमिग्रेट टर्म यूज करते हैं. वो परमानेंट मूवमेंट होती है एक पर्सन की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन माइग्रेट इज टेम्पररी मूवमेंट. इट मे बी ऑफ पीपल, इट मे बी ऑफ बर्ड्स, इट मे बी ऑफ एनिमल्स. आपने माइग्रेटरी बर्ड्स सुना होगा, माइग्रेटरी एनिमल्स सुना होगा. बहुत से बर्ड्स एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने एरिया, अपने रीजन को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, राइट? तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन.
they migrate again. Migrate verb, migration noun. So, emigration or immigration, permanent movements. Or migrate, temporary or seasonal. So, I hope these three terms are very much clear to you. अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और अगर आपको समझ आया और अगर आप ये मानते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की नॉलेज और लोगों को भी शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड डू मेक अ पॉइंट टू कॉमेंट ऑन इट. थैंक यू वेरी मच. योर ओन डॉक्टर एम के आई साइनिंग ऑफ नाउ. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.